अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ एक प्री ब्राइडल के लिए उपटन। अगर आपने आपकी शादी को एक महीने या दो महीने अभी भी बाकी है तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके स्किन और आपके बॉडी पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपके पूरे स्किन से ये टैनिंग को रिमूव करेगा। और नॉर्मली भी अगर आप चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपके शादी तक का आपके चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो हो जाएगा कि आपको फेशियल करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा इसमें ग्लो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस उपटन को हम किस तरह से बनाएंगे। 3 टीस्पून मैंने बेसन लिया है, और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और ज़रा सा वाइल्ड टर्मरिक। अभी इसे मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है ये उपटन। तो इस तरह से आप इस उपटन का इस्तेमाल फेस बॉडी पे अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई कर लीजिए। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिलाया है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके स्किन को ब्राइटन बनाता है। और जो वाइल्ड टर्मरिक मिलाया है मैंने इसमें, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जिससे आपके दाग धब्बे, आपके चेहरे में अगर पिंपल्स है तो उसको भी ये कम करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। और मिल्क, बेसन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इस उपटन को आप अपने फुल बॉडी पे अच्छे से अप्लाई करके इसे 5 मिनट के लिए रब कीजिए। फिर ये थोड़ा ड्राई होने के बाद आप फिर से दोबारा मिल्क के साथ इसे फिर से दोबारा रब कीजिए, और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आप बॉडी लोशन और फेस पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो आप इसका इस्तेमाल रोजाना भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है या 10 दिन 12 दिन बचा है तो आप इसका इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं, इससे आपका स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपके पास 1 महीना बचा है तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे फुल बॉडी में अप्लाई कर लीजिए। आप आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने जरा जरा मिल्क लेना है, वो मिल्क लगा के आपने पूरे बॉडी पे इस तरह से रब करना है। उसके बाद अपने बॉडी को आप वॉश कर लीजिए और अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। ऐसा आप रोजाना करने से आपके बॉडी में भी अच्छा सा ग्लो आ जाएगा और आपका जो भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब भी शादी के वक्त आपने हमेशा शॉपिंग के लिए आप बाहर जाती हो, आपका स्किन टैन हो जाता है, तो ये उपटन रोजाना इस्तेमाल करने से आपका शॉपिंग भी होता रहेगा और आपका जो भी टैनिंग है वो भी रिमूव होता जाएगा। तो इसीलिए ये उपटन बहुत ही अच्छा है, और ये विंटर के लिए भी ये उपटन बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। आपके बॉडी को ये स्मूथ करता है, सॉफ्ट रखता है। अगर आपकी शादी नहीं भी है तो आप यूं ही इस उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब नॉर्मली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उपटन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।